आप लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो आप लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ये वाला फोटो एडिटिंग डीएम भाई कैसे किए हैं, और बहुत ज्यादा वीडियो देख भी लिए हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है फलाना ढिकाना, लेकिन आप लोग को फोन में ऐसे टाइप का फोटो एडिटिंग 3D टाइप का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन आज आप लोग आदित्य भाई बताएगा कि इस टाइप से फोटो एडिटिंग का राज क्या है। सारा कुछ इस वीडियो में मैं खोल करके रख दिया हूँ, तो आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो। मैं खुद अपना फोटो एडिटिंग किया हूँ एकदम सेम उसी तरीके से, एंड जो है कि आप लोग को सिखाने वाला हूँ सेम उसी तरीके से। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो कि आपका आदित्य भाई कर रहा है सेम फोटो एडिटिंग, और आप लोग को इसी फोटो का राज आप लोग को आज बता के ही रहेगा। ठीक है, तो जो है कि आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे तरीके से मैं अपना फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ, और सेम ट्यूटोरियल जो है कि आप लोग को भी बता करके ही रहूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा करके आता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि ये वाला एप्लीकेशन से जो है कि मैं और सब कोई कर रहा है एडिटिंग इस टाइप से 3D। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को आप लोग को ओपन कर लेना है, एंड जो है कि ओपन करने के बाद आप लोग क्या करना है, इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। तो आप लोग क्या करेंगे, एडिट फोटो पे क्लिक करके और जो अपना फोटो होगा सिंपली उस फोटो को ऐड करना होगा। तो चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि मैं अपना फोटो जो है कि ऐड कर चुका हूँ। अब जो है कि आप लोगों को सिंपल सा तरीका बताएंगे कि आखिर मेरे जैसा एंड डीएम भाई जैसा अपने फेस को एंड अपने जो है कि बैकग्राउंड को सब कुछ 3D वगैरह कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, आप लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलता है, बट आप लोग को क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही वाला आप लोग को सिंपल सा यूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग AI फिल्टर पर क्लिक कर लेना है। AI फिल्टर पर क्लिक करते ही जो कि आपको फोटो सर्चिंग में चला जाता है। तो जैसे ही सर्च करता है तो जो है कि आपको फोटो को अलग अलग तरीके से बांट देता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर आप लोग को देखने को मिलेगा, बारी बारी से जो है कि आप लोग चेक कर सकते हो कौन सा फिल्टर मुझे चाहिए। ठीक है, और जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। और देखिए कितना ही बवाल तरीके से जो है कि आप लोग को एडिटिंग करके दे दिया, बवाल एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो जो है कि ओपिटिया नाम का एक है ना फिल्टर, इसको जो यूज करते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है कि आप लोग फिल्टर यूज करके देता है, हर एक चीज अच्छे तरीके से सेट करके देता है। बट जो है कि आज आप को बताएंगे कि जो है कि जो वो वाला है ना ग्रेस वाला, वो वाला जो है कि सीन कैसे लगाएंगे। तो सिंपल आगे से ही स्कैन करेंगे, मतलब ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद देखिए आप लोग का एक स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली स्कैन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा फिल्टर आप लोग को देखने को मिलेगा, और जो है कि इसमें बहुत ज्यादा फिल्टर आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए पेट्स फ्रॉम ग्रूम गेमिंग कॉमिंग एनिम जो है कि बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है। बट जो है कि आप लोग स्कैन वाला ऑप्शन में आकर के और देखिए ओपिटिया वाला यूज करके जो कि आप लोग को अच्छा लगे तो यही से फोटो को सेव कर सकते हैं, एंड जो है कि आउटग्राउंड का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपली आउटग्राउंड पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है, एंड आउटग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए आपका फोटो में चार चांद लग जाएगा। तो देखिए आउटग्राउंड पे जैसे ही क्लिक किए आपका फोटो जो है कि अलग तरीके से बन करके आ गया, क्या ही बवाल तरीके से आया है। बट जो कि अगर आप लोग को ये फोटो अच्छा नहीं लगता होगा तो सिंपल सा तरीका बताएंगे कि और अलग अलग फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपली आउटग्राउंड पर एक बार और क्लिक करेंगे तो एक बार और स्कैन करेगा और आपका फोटो अलग तरीके से बन करके आ जाएगा। तो देखिए फिर से जो है कि अलग तरीके से बन करके आ गया। फिर से आउटग्राउंड पे क्लिक करेंगे, फिर से जो है कि आप लोग अलग तरीके से बन करके आएगा। जब तक टैप करते रहना है जब तक जबकि आपको आपका फोटो अच्छे तरीके से बन ना जाए। तो देखिए आउटग्राउंड पे फिर से क्लिक किए, फिर से जो है कि सेम फोटो बना करके आप लोग को दे दिया। ठीक है, जो है कि आप लोग को मैचिंग बना करके दिखा दिया, फिर से अच्छा नहीं लगता होगा तो फिर से जो है कि आउटग्राउंड पर क्लिक कर देंगे, फिर से आपका फोटो जो है कि अलग तरीके से बन करके आ जाएगा। आप लोग देखते रहिए। ठीक है, फिर से जो है कि क्या ही लाजवाब तरीके से आप लोग को आउटग्राउंड ग्रेस वाला जो कि सीन आप लोग ले करके दे दिया। तो फिर से जो कि आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टैंडर्ड का। ठीक है, इस पे जो कि आप लोग क्लिक करेंगे और फिर से जो कि आपका फोटो अलग तरीके से बन करके आएगा। ठीक है, ये तीनों फिल्टर दिख रहा है ना, तीनों बहुत ही लाजवाब फिल्टर आप लोग को देखने को मिलेगा, ये और ये और ये। ठीक है, और इस पे के बाद जो है कि आप लोग एक जंगल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है फिल्टर, तो सिंपली जंगल वाले पे क्लिक करेंगे और आप लोग देखेंगे क्या ही लाजवाब तरीके से 3D फोटो बन करके आप लोग के सामने रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, एंड जो है कि आप लोग को फेस जो है कि बिगड़ जाता है। देखिए फेस जो है कि काफ़ी बिगड़ चुका है, तो सिंपली आप लोग फेस बिगड़ा है ना, देखिए फेस बिगड़ा, इसके लिए सिंपल सा तरीका है। आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग का आदित्य भाई एक वीडियो लेकर के आया, ठीक है, अभी कल ही छोड़ा था कि अपने फेस को फिल्टर के बाद अपने फेस को चेंज कैसे करेंगे। तो जाइए, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो जो है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा कि अपने फेस को चेंज कैसे करें, तो जाइए फटाफट से अपने फेस को चेंज कीजिए एंड आप उस वीडियो को देखिए एंड अपने फेस को चेंज कीजिए एंड
इस फोटो को पोस्ट करके काफ़ी ज़्यादा वायरल कीजिए एंड लाइक फॉलोअर्स पाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जा करके वीडियो देख लीजिएगा फेस चेंज वाला, तभी जो है कि आप लोग फोटो अच्छे तरीके से एडिटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू।